नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका VSM डेयरी फार्म ब्लॉग में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एनिमल के बच्चा देने के बाद अर्ली लैक्टेशन में जो वेट लॉस होता है उसके क्या क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं और इसको हम कैसे कम कर सकते हैं। दोस्तों जानवर जब बच्चा देता है और उसके बाद जब अर्ली लैक्टेशन जो बच्चा देने के बाद के 4 महीने होते हैं उस पीरियड में होता है, तो वहाँ पे बहुत तेज़ी से बॉडी जो है वेट लॉस करती है। और ये अगर हम स्कोर के ऊपर बात करें तो 3.5 एक एवरेज से घट के लगभग 2.5-2.25 और कुछ केसों में तो 2 तक आ जाती है। तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है क्योंकि जानवर बच्चा देने के बाद बहुत तेज़ी से पीक पे आता है। 15 दिन से लेके और 25 दिन के बीच में एनिमल जो है अपनी पीक पकड़ लेता है और जो उसका फीड इनटेक है वो लगभग 2 महीने में जाके नॉर्मल हो पाता है। तो उससे क्या नुकसान होता है कि जब ड्राई मैटर इनटेक कम है तो मेटाबॉलिक एनर्जी जो है वो प्रॉपर एनिमल को नहीं मिल पाती और जो भी एनर्जी उसको मिलती है वो उसको अपनी पीक मेंटेन करने में इस्तेमाल कर लेता है। तो बॉडी का जो वेट का लॉस है वो बहुत तेज़ी से नीचे आने लगता है। अब बॉडी वेट के नीचे आने से क्या नुकसान हो सकते हैं दोस्तों? इसके 2-3 मेजर नुकसान हैं। पहला तो अगर बॉडी के अंदर तेज़ी से वज़न कम होगा तो एनिमल नेगेटिव एनर्जी में चला जाएगा और वो अपनी जो मेटाबॉलिक डिजीज़ हैं वो उसको पकड़ लेंगे। दूसरा, ऐसे एनिमल अपनी जो पीक है वो भी बहुत लंबी मेंटेन नहीं कर पाते और कुछ टाइम के बाद में दूध बहुत तेज़ी से नीचे आने लगता है। तीसरी और सबसे वर्स्ट जो सिचुएशन है वो ये होती है कि जब एनर्जी की कमी बॉडी के अंदर होती है तो उसकी बॉडी एनिमल के माइंड को सिग्नल भेजती है कि वह रिप्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ के लिए अभी सही कंडीशन में नहीं है। तो उसका दिमाग जो है रिप्रोडक्टिव जो हार्मोन एक्टिविटी है उसको स्लो कर देता है या शट डाउन कर देता है। जैसा कि आप लोगों ने देखा भी होगा कि बहुत से किसान भाई ऐसा बोलते हैं कि हमारा एनिमल 6 महीने का 8 महीने का बच्चा दिया हुआ हो गया और अभी तक हीट में नहीं आया। तो उसका सबसे बड़ा कारण ये एनर्जी की कमी और वेट लॉस ही होता है। दोस्तों अर्ली लैक्टेशन में जो हमारा एनिमल है उसको लगभग 200 से 250 मेगा जूल एनर्जी पर डे की रिक्वायरमेंट होती है और लगभग 1800 से 2100 मेटाबॉलिक प्रोटीन की उसको रिक्वायरमेंट होती है। अगर हम ये अपनी डाइट के अंदर उसको दें तो इस बॉडी वेट का जो लॉस है इसको कुछ कम किया जा सकता है। इसको रोकना तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो इसको हम कम कर सकते हैं क्योंकि एनिमल की जो इंटेक है वही कम होती है शुरू के टाइम में। और अगर हम इस तरीके से एनर्जी और प्रोटीन को बैलेंस करके चलते हैं फीड के अंदर, ये TMR फीड की मैं बात कर रहा हूँ, टोटल मिक्स राशन की, तो हम काफ़ी हद तक अपने एनिमल्स के इस बॉडी का वेट का जो लॉस है उसको कम कर सकते हैं। दोस्तों एक चीज़ और होनी चाहिए कि जो हमारा एनिमल है उसका BCS लगभग 3.5 से 4 के बीच में होना चाहिए। जब 3.5 से 4 के बीच में होगा तो अर्ली लैक्टेशन में जो वेट लॉस होता है वो भी उसी रेशो से होगा। यदि एनिमल का बॉडी वेट ही 3 का है तो वो तो निश्चित तौर पे 2 पे ही जाएगा। तो ये चीज़ें अगर हम ध्यान दें तो हमारा एनिमल ज़्यादा बॉडी का जो वेट है उसको लॉस भी नहीं करेगा, दूसरा पीक भी लंबे टाइम तक मेंटेन रखेगा और तीसरा उसको रिप्रोडक्टिव इश्यूज भी नहीं आएंगे। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों शेयर और सब्सक्रिप्शन जो है वो लगभग फ्री ही है, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा करें। इससे हमारा जो है थोड़ा उत्साहवर्धन होता है और हम आपके लिए इसी प्रकार की अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे जिसमें आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।